तो अगर आप किया की सोनेट प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किया ने अपनी सोनेट में एक और जो वेरिएंट है उसको लॉन्च कर दिया है, एंड इस वेरिएंट को उसने नाम दिया है ऑरॉक्स एडिशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी ऑरॉक्स एडिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑरॉक्स एडिशन है ये सोनेट के जो एचटीएक्स ट्रिम आता है ठीक उसके ऊपर बेस्ड है, एंड ये एचटीएक्स और जो इसके ठीक ऊपर एचटीएक्स प्लस आता है इन दोनों के बीच में सोनेट के लाइनअप में आएगा। अगर मोटी मोटा बात करेंगे इस ऑरॉक्स एडिशन की तो यहाँ पे कोई भी फीचर वाइज तो चेंज नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस है वही आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इन कॉस्मेटिक अपडेट की तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो फ्रंट की स्किड प्लेट है उसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, एंड पहले के मुकाबले अब ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बल्की सी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेंजरीन यानी कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर का एसेंट देखने को मिल जाएगा, चाहे इसका फ्रंट का बम्पर हो गया या फिर ग्रिल हो गया या फिर डोरसिल्स हो गए या फिर इसके रियर स्किड प्लेट पे, एंड साथ ही यही चीज आपको इसके सेंटर व्हील कैप्स में भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी ग्रिल है उसमें भी आपको ऑरॉक्स की बैचिंग देखने को मिल जाएगी इसी टेंजरीन शेड में। तो जैसा मैंने कहा कि ये HTX और HTX प्लस के बीच में है, तो इसमें कोई भी फीचर चेंज नहीं है HTX के मुकाबले। तो जो फीचर्स आपको HTX में मिल रहे थे वही सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलेंगे, खाली ये जो कॉस्मेटिक चेंज है यही इसका डिफरेंस है। एंड किया ने इसको दो इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है, पहला 1 लीटर वाला जो टर्बो पेट्रोल इंजन है एंड दूसरा 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन। एंड बात करूं अगर मैं प्राइस की तो जो पहला आपको मिल जाएगा 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन IMT ट्रांसमिशन के साथ, उसकी 11.85 लाख रुपीज एक्स शोरूम है। वहीं अगर आप IMT की जगह DCT ट्रांसमिशन लेते हो तो आपको 12.39 लाख रुपीज एक्स शोरूम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको डीजल में लेते हो IMT ट्रांसमिशन के साथ तो 12.65 लाख रुपीज एक्स शोरूम, एंड वहीं अगर आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हो डीजल में तो 13.45 लाख रुपीज एक्स शोरूम की प्राइस आपको देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप इसको HTX के ऊपर लेते हो तो आपको टोटल 40,000 रुपए शोरूम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड उसके बदले आपको सिर्फ ये कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं जो इसका लुक एनहांसमेंट हो रहा है सिर्फ वही मिलेगा। एंड इसके अलावा जो HTX ट्रिम आता है उसको आप टोटल 6 कलर ऑप्शंस में चूज कर सकते हो, बट अगर आप ये ऑरेक्स वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनके नाम है ग्रेविटी ग्रे, ब्लैक पन, स्पार्कलिंग सिल्वर एंड ग्लेशियर व्हाइट। बाकी इंटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं है, ना ही इसके थीम में ना ही इसके फीचर्स में। तो इसमें सेम आपको HTX वाले फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे LED हेडलैम्प्स हो गए, इलेक्ट्रिक सनरूफ हो गया, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, एंड पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के लिए। तो इंटीरियर में फीचर वाइज कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये कॉस्मेटिक चेंज है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको HTX जो सिंपल लेना है वो लेना है या फिर आप इस ऑरॉक्स वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो जस्ट फॉर दिस कॉस्मेटिक अपग्रेड। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।